हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ विस्कोसिटी से रिलेटेड। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में विस्कोसिटी पढ़ी थी, ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, इफ़ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज़ गिविन एज गिविन बाई u इक्वल्स टू 2/3 वाई माइनस वाई स्क्वायर इन विच u इज़ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट, डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस एट y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0.15। टेक डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड एज 8.63 पॉइज। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस। देखो, शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेस को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो, शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है तो इसमें विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है हमारा म्यू डी यू ओवर डी वाई होता है। ओके, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएं तो हमारा जो है शेयर स्ट्रेस निकल आएगा। और ठीक है, शेयर स्ट्रेस हमें कितने पे निकालना है, एक हमें निकालना है जीरो वाई इक्वल्स टू 0 पे निकालना है, एक हमें निकालना है वाई इक्वल्स टू 0.15 पर। मीन्स टू कंडीशन दे रखे हैं, एक वाई इक्वल्स टू 0 पे निकालना है शेयर स्ट्रेस हमें, टो जो निकालना है, इसको हम टो बोलते हैं शेयर स्ट्रेस के सिंबल को। ठीक है, और वाई इक्वल्स टू एक हमें 0.15 पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल्स टू, कुछ लोग टाओ भी बोलते हैं, ठीक है, मैं टो बोल रहा हूँ इसको, टो इक्वल्स टू होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, अब देखो, अगर हमें म्यू इसमें गिविन है, म्यू मीन्स डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी इसमें गिविन है, ठीक है, दे रखा है इसमें, जो कि हमारा 8.63 है। ठीक है, ये दे रखा है 8.63 पॉइज है। ठीक है, और हमें अब इसमें और हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक हमें डी यू और पता होना चाहिए और डी वाई और पता होना चाहिए, जिससे हमें पूरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब डी यू, यू क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी रहती है यू, ठीक है, और वाई क्या है, डिस्टेंस रहती है। जैसे कि मैंने आपको वेलोसिटी जब विस्कोसिटी पढ़ाया था, सॉरी, तो इसमें क्या बताया था, एक वेलोसिटी प्रोफाइल बना के बताया था, ये कोई अगर सरफेस है, ये ग्राउंड है सपोज, तो एक इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल बनता था, ठीक है, जिसमें ये जो वेलोसिटी होती थी ये बढ़ती रहती थी जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर जाते थे। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर दो फ्लूड की लेयर कंसीडर की थी, जिसमें एक की वेलोसिटी यू कंसीडर की थी हमने और एक की यू प्लस डी यू कंसीडर करी थी। ठीक है, तो और हमने इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड जो कंसीडर करी थी वो वाई करी थी, और इन दो लेयर के बीच की डिस्टेंस जो फाइंड जो हमने कंसीडर की थी वो डी वाई की थी। ओके, तो डी वाई क्या होती है, इसके बीच की थिकनेस या डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, इसको हम डी वाई बोलते हैं। ठीक है, और u जो होती है वेलोसिटी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी आपको गिविन है, इसमें वेलोसिटी गिविन नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन u इक्वल्स टू 2/3 वाई माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम डी यू फाइंड करेंगे। ठीक है, डी यू फाइंड करेंगे, और डी वाई कैसे फाइंड आउट होगा, डी वाई हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, हम ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है u इक्वल्स टू 2/3 वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, जो u है इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो जब y के रेस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें डी यू ओवर डी वाई फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक है, फिर हम अब आगे इसमें फाइंड आउट करते हैं, तो वही देखना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हमने जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है y इक्वल्स 2/3 वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डी यू ओवर डी वाई फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, म्यू डी यू ओवर डी वाई होता है, डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से डी यू ओवर डी वाई फाइंड आउट हो जाएगा जब वाई के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/3 वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। और ठीक है, वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ओके, अब देखो ये आ गया डिफरेंशिएशन, जब हमने इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो। ठीक है, अब ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसमें y के लिए दो कंडीशन दे रखी है, एक y इक्वल्स टू 0 दे रखा है, एक y इक्वल्स टू 0.15 दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो ये फॉर्मूला होगा हमारा, टो इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई।
ठीक है। तो इसमें हमें दो कंडीशन पर फाइंड आउट करना है सेल स्ट्रेस, एक वाई इक्वल्स टू जीरो पे, तो हम एक बार इसमें वाई इक्वल्स टू जीरो रख देंगे जो डिफरेंशिएशन करके आई है कंडीशन, और एक बार वाई इक्वल्स टू 0.15, ठीक है। तो एक बार 0.15 रखेंगे तो दो कंडीशन निकल आएंगे, फिर हम इसमें 1/1 करके रखेंगे, फिर हमारे सेल स्ट्रेस दोनों कंडीशन के लिए फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई इक्वल्स टू, अगर मैं जीरो रख रहा हूँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन में, तो ठीक है क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो टू की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा, 2/2 को डिवाइड करेंगे जब थ्री से तो ये आ जाएगा 0.667, ठीक है। अब मैं वाई की जगह एक बार इक्वेशन वन में 0.15 रख रहा हूँ, अब रख के रहे क्योंकि दो कंडीशन दे रखे हैं, एक वाई इक्वल्स टू जीरो फाइंड आउट करना, एक वाई इक्वल्स टू हमें 0.15 पे फाइंड आउट करना है, तो 0.15 रखेंगे एक बार वाई इक्वल्स टू, ठीक है, इस इक्वेशन वन में। तो इक्वेशन वन में 0.15 रखेंगे तो ये आ गया 2/3 की जगह 2/3 माइनस 2 इंटू वाई है, तो वाई की जगह 0.15, तो ये रख दिया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये आ गई वैल्यू, और इसकी ये है, ठीक है, बाद में कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें दोनों कंडीशंस पे हमें डी यू ओवर डी वाई मिल गया, ठीक है। अब हमें जो डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है वो क्या है हमारी, 8.63 पॉइज दे रखी है, ठीक है। अब वन पॉइज इक्वल्स टू हम जानते हैं 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है, तो हम इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, म्यू इक्वल्स टू 8.63 डिवाइडिंग बाई 10, अब ये हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया है क्योंकि जो न्यूमेरिकल में वैल्यूज दे रखी हैं वो मीटर में दे रखी हैं, ओके। तो ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी आ गई है, अब ठीक है। और नाउ द शेयर स्ट्रेस टो इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, म्यू डी यू ओवर डी वाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस एट वाई इक्वल्स टू जीरो पे हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू की वैल्यू रख देंगे हम, म्यू की वैल्यू क्या है हमारी 0.063 इंटू अब हम जो है डी यू ओवर डी वाई, वाई इक्वल्स टू जीरो पर हमारे कितना आया है 0.667, ठीक है, तो वो रख दिया, तो ये फाइंड आउट इसकी इससे मल्टीप्लाई जब होगी तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ओके, फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे नेक्स्ट कंडीशन के लिए, नेक्स्ट कंडीशन के लिए ये रहेगा, ये टो इक्वल्स टू क्या सेम हमारा होगा म्यू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे डी यू ओवर डी वाई वाई इक्वल टू 0.15 पे जो वैल्यू आई है उसको रख देंगे, तो म्यू तो हमारे सेम ही है 0.863, और वाई डी यू ओवर डी वाई वाई इक्वल्स टू 0.15 पे जो आया वो रख देंगे, तो 0.15 पे क्या आया हमारा वाई इक्वल्स टू, तो डी यू ओवर डी वाई क्या आया हमारा 0.15 पे, वो आया है हमारा देखो ये 0.367, ओके। तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी है 0.367, तो यहाँ से ये हमारी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमारी दोनों शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिल चुकी है हमें दोनों कंडीशंस के लिए, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल, ठीक है, एक ऑयल की डायनेमिक विस्कोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, देखिए अभी जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने फाइंड आउट किया था वो क्या फाइंड आउट किया था, वो हमने शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हमें डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी मीन्स, तो ये टो इक्वल्स टू हमारा क्या होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई होता है, ठीक है, सॉरी डी यू है ये, मैं दोबारा लिख देता हूँ, टॉ इक्वल्स टू होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। अब देखो जो प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें क्या फाइंड आउट किया था, हमने शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट की थी, टू कंडीशंस दे रखे थे वाई इक्वल्स टू जीरो के लिए, वाई इक्वल्स टू 0.15 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डायनेमिक विस्कोसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है आप सब लोग जानते होंगे, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है म्यू, ठीक है, म्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स में क्या क्या गिवन डेटा है। तो कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल विच इज यूज फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइज 0.8 मीटर × 0.8 मीटर, ठीक है, एंड एन इंक्लाइंड प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री एज सोन इन फिगर, द वेट ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज 300 न्यूटन एंड इट स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 0.3 मीटर/सेकेंड, द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज 1.5 mm, ठीक है। अब देखो ये
इसमें हमें कैलकुलेट करना है डायनेमिक विस्कोसिटी को, ठीक है। तो ये एक प्लेन दे रखा है, ये एक प्लेन दे रखा है, सपोज मैं यहाँ बना कर दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है न्यूमेरिकल में, ये कहा कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, तो ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये बोला है इन्होंने, ठीक है। इसमें कोई एक यहाँ पर कोई एक ऑयल है, ठीक है, जिसकी एक मोटी सी यहाँ पर लेयर जमी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर एक कोई प्लेट रखी हुई है, ओके, ठीक है, जिसकी जे 0.8 × 0.8 करके दिया है, मीन्स 0.8 × 0.8 मीन्स ये लेंथ है इसकी और विड्थ है, ठीक है। तो ये लेंथ एंड विड्थ दे रखी है इसकी, तो मीन्स लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो ये इसकी इसका हम यहाँ से एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर फाइंड आउट करना हो तो, ठीक है। और इसका वेट दे रखा है हमें, ये वेट दे रखा है हमें, जो कि हम W कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है इसका 300 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इसकी जो जो ऑयल है इसकी हमें विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, ओके। तो कैसे विस्कोसिटी फाइंड आउट होगी? विस्कोसिटी फाइंड आउट होगी हमारी टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू DU/DY, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है इसमें, तो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, प्लेट का। तो 0.8 × 0.8 ये क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.64 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा इस प्लेट का, ठीक है। जो ये प्लेट है इसका एरिया हो गया ये, ठीक है। अब एंगल दे रखा है, एंगल क्या, एंगल ऑफ ऑफ प्लेन क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। वेट ऑफ द प्लेट, ठीक है, ये 300 न्यूटन दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, प्लेट की वेलोसिटी की वो किस वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है, तो वो दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकेंड, ओके। और थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म, ऑयल फिल्म की थिकनेस क्या दे रखी है, 1.5 mm दे रखी है, ओके। अब देखो ऑयल फिल्म की थिकनेस है, ये कोई ऑयल है, ऑयल की फिल्म है, इसकी थिकनेस दे रखी है, ठीक है। मीन्स ये जो है थिकनेस दे रखी है कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि वेलोसिटी प्रोफाइल मैंने जब फाइंड आउट किया था तो वहाँ पे मैंने दो फिल्म कंसीडर करे थे, ठीक है। तो उनके बीच के थिकनेस हम क्या ले रहे थे, DY ले रहे थे, ठीक है। तो हम इस थिकनेस को DY भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे DY की वैल्यू हो जाएगी 1.5 mm, ठीक है। तो ये 1.5 mm हो गया, जिसको हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं 10^-3 से मीटर में कन्वर्ट किया है इसलिए, ओके। और जो वेलोसिटी है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड है, ओके। अब कंपोनेंट ऑफ वेट W अलोंग द प्लेन, ठीक है। अब जैसे कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे ये प्लेट आ रही है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये यहाँ पे लुब्रिकेशन है और ये इसका W वेट है, W, ठीक है, जो कि 300 न्यूटन है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट होगा W cos 30 और ये हो जाएगा W sin 30, ठीक है, यहाँ पे जो कि मैंने दिखाया है, ठीक है। दो कंपोनेंट होंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो इसका कौन सा वाला कंपोनेंट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन ला रहा है, ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जो है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक फोर्स हो जाएगा जो कि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा W sin 30 हो जाएगा, तो W की वैल्यू 300 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन जो फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शेयर स्ट्रेस हम फाइंड आउट करेंगे, शेयर स्ट्रेस हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें 150 दे रखा है, ठीक है, हमने फाइंड आउट किया 150, और एरिया हमारा कितना है प्लेट का, 0.64, तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू होता है µ DU/DY, ओके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या होगा, देखो आगे क्या है, यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी U = 0.3 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी गिविन है न्यूमेरिकल में, और DY हमें गिविन है 1.5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो अब शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू, हम एक जगह फाइंड आउट कर चुके हैं, शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू हमारा जो है होता है क्या, 150 अपॉन 0.64, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और एक जगह शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है µ DU/DY, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही शेयर स्ट्रेस हैं, तो हमने वही किया, 150 अपॉन 0.64 इक्वल्स टू µ DU/DY, ठीक है। यहाँ पे DU की वैल्यू रख दी है 0.3 है जो कि, ठीक है, ये रही, ठीक है, और DY की वैल्यू रख दी है 1.5 × 10⁻³ है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है, क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे विस्कोसिटी का फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि क्या है, म्यू है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज हम पुट कर चुके हैं, तो इस वाली वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 इंटू
1.5 इंटू 10^-3। ओके, अब इसकी वाली वैल्यू को हम नीचे ले जाएंगे, इधर 0.3 इंटू 0.64। ठीक है, और म्यू को हमने इधर ही रहने दिया, तो म्यू कल्स टू ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, जब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो म्यू कल्स टू हमारा आ जाएगा 1.17 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से 1 poise = हम सब जानते हैं क्या होता है, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ठीक है, अगर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू में, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगी, ये वैल्यू ये पॉइज में आ जाएगी। म्यू कल्स टू ये क्या आ गया है, 11.7 poise। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाई। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, गिवन बाई दिस यू इक्वल्स टू 3/4 y - y² इन विच यू इज द वेलोसिटी इन विच मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट। ओके, डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस एट y इक्वल्स टू 0.15, टेक डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड एट 8.5 poise। ओके, ठीक है, सेम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह है। ठीक है, एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसमें, यू इक्वल्स टू समथिंग 3/4, ठीक है, y - y², ठीक है। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है, y इक्वल्स टू हमें 0.15 पे फाइंड आउट करना है, क्या हमें, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है हमें, शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह ही करेंगे। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हमें डी यू ओवर डी वाई मिल जाए जहाँ से, क्योंकि हम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है टू इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई होता है, डी यू है ये। ओके, डी यू ओवर डी वाई, ठीक है, तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से du ओवर डी वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो जब du ओवर डी वाई मिल जाएगा तो फिर, और ये फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल्स टू म्यू du ओवर डी वाई। ठीक है, जब du ओवर डी वाई यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है, टो म्यू हमारा गिवन है न्यूमेरिकल में, तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक है, तो वही है, तो हमने सबसे पहले u लिया है, u इक्वल्स टू 3/4 y - y², इसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे हो गया du ओवर डी वाई 3/4 y का रिस्पेक्ट, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 - y² का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, अब ये हमें मिल गया आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है, y इक्वल्स टू 0.15 मीटर पे। ठीक है, तो 3/4 और 2 × y की जगह 0.15 रख दिया। ठीक है, तो 3/4 ये डिवाइड करेंगे 0.75 आएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई 2 × 0.15 करेंगे ये आ जाएगा 0.30। ठीक है, तो यहाँ से हमारा du ओवर dy 0.15 पे आएगा, इतना 0.45। ओके, अब विस्कोसिटी होती क्या हमारी, म्यू इक्वल्स टू यहाँ पे क्या गिवन है, 8.5 poise दे रखा है। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हमारा टो इक्वल्स टू क्या है, क्या होता है, टो इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, म्यू क्या हमारा 8.5 / 10 इंटू डी यू ओवर डी वाई क्या है हमारा 0.45। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टो इक्वल्स टू आ जाएगा 0.3825 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो इस लेक्चर में न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।